तो उससे ये तासुर मिलता है कि ख्वातीन जो हैं वो हमारे इस माशरे का अहम हिस्सा है। अगर ख्वातीन अपना रोल समझें और उसको मुस्बत अंदाज से इस माशरे में पेश करें तो बहुत सारी बुराइयों से ये माशरा बच सकता है। और उसकी मिसाल ये है कि जब एक औरत माँ होती है तो उसे अपने बच्चे की तरबियत में कमी और कोताही का पता होता है। आज हम बात करते हैं माशरे में ख्वातीन के साथ ज्यादती की, हम बात करते हैं बच्चों के साथ ज्यादती की, तो कहीं ना कहीं से इसी माशरे में वो शख्स परवान चढ़ा होता है जो फिर इस माशरे में इन तमाम तर बुराइयों का हिस्सा बनता है, हिस्सेदार बनता है। क्योंकि बचपन में माँ ने या तो उससे मोहब्बत में या अपने रिश्तेदारों के डर से उसकी उन खामियों और कोताहियों को छुपाया होता है और वो बचपन में उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखा के ले जाते ये सोच के कि कहीं रिश्तेदार और कहीं हमसाये से पागल ना समझें। उस बच्चे को बड़ा कर दिया जाता है और वो बड़ा होकर फिर इस माशरे में तमाम तर खामियों का जिम्मेदार ठहरता है, जिसमें बच्चियों के साथ, अभी 13 साल एक बच्ची जैनब के साथ ज्यादती की गई, 8 साल बच्ची, 7 साल बच्ची, तो ये हैवान कौन है? ये वही है जो इस माशरे में पलकर बड़े हो जाते हैं। तो ख्वातीन का रोल बहुत अहम है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आज जो बच्चा बड़ा हो रहा है कल वो इस माशरे में किसी ना किसी के साथ ज्यादती का मरतब होगा, जैसे कि एक केस इस्लामाबाद में भी ज़ाहिर जाफ़र का आपके सामने है। तो हमें उन कोताहियों को, उन खामियों को बच्चों की शुरू दिन से ही एड्रेस करना चाहिए और उसे छुपाना नहीं चाहिए। तो आज इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन माएँ बहनें बैठी हैं तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये ज़िक्र आज इसलिए किया है कि आप ही वो लोग हैं जो अपने घर से इसको शुरू कर सकती हैं। और बच्चों की तरबियत ही इस माशरे का सबसे अहम काम है। आज माएँ ज़्यादातर वक्त किटी पार्टीज़ में गुजारती हैं, सोशलाइजिंग में टाइम वेस्ट करती हैं और अपने घर को भूल जाती हैं, उस घर को भूल जाती हैं जहाँ बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वो बच्चों को टाइम ना देना भी इस माशरे में बच्चों को ख़राब करने का एक अहम तरीन वाक़या है। तो माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को घर में टाइम दें, बच्चियों को टाइम दें, तब जाके वो माशरे में एक अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बचपन से अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, पता नहीं क्या क्या बनाना और पढ़ाना चाहते हैं, आला तालीम दिलाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बना देते हैं, अच्छा इंसान नहीं बनाते। और जब वो अच्छा इंसान नहीं बनता तो वो माशरे में ख़राबियों का बायस बनता है और फिर वो शर्मिंदगी जो कि बहुत अरसे बाद जाके उठानी पड़ती है, उसे पहले दिन से ही अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। क्योंकि एक बच्चा, मेरा ये मानना है कि अपनी उम्र के पहले साल से लेकर और 25 साल तक अपनी माँ के कंट्रोल में रहता है, उसी की बात मानता है, और 25 साल से लेकर 50 साल तक बीवी की बात मानता है। तो मतलब ये है कि ख्वातीन के ही कंट्रोल में मर्द हजरात सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो अगर ख्वातीन अपना रोल प्ले करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और अपनी उस सिमत को जिसे हम पाकिस्तान के लिए बेहतर बना सकते हैं उसमें ख्वातीन का भी अहम तरीन रोल है। अगर ख्वातीन की बात इस तरह से करें तो बेगम राना रियाकत अली पाकिस्तान में इस सूबे सिंध की पहली गवर्नर भी बनी, इसी तरह स्टेट बैंक की गवर्नर भी ख्वातीन है, और इसके बाद बेशतर नाम है जो मैं यहाँ लूँ तो बहुत टाइम लगेगा, कि ख्वातीन अगर चाहें तो इस माशरे में, इस मुल्क में बहुत अहम तरीन किरदार अदा कर सकती हैं।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें ये पता हो कि किस सिम्त अपने बच्चों की तरबियत करनी है। अगर सिम्त का पता हो, डायरेक्शन का पता हो, तो ही आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। जिस पे किसी शायर ने खूब कहा है, पाकिस्तान के हालात को भी इसकी अक्कासी होती है कि एक उम्र से फरेब सफ़र खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेब सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं किधर जा रहे हैं हम। तो जब हमें ये मालूम ही नहीं होगा तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अगर बेहतर करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा अज़्म है जो हम करें और वो हो नहीं सकता? अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और इसके लिए भी शायर ने खूब कहा है कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि ये चश्मा इसी ख़वातीन के मजमे से निकलेगा। तो ख़वातीन चाहेंगी तो बहुत कुछ हो सकता है, कर सकती हैं, सिर्फ हिम्मत और अज़्म की ज़रूरत है। वैसे तो हम इतने बेहिस हैं कि बहुत कुछ नहीं करते। अपने सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में इशारे फैसल से गुज़र जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से ज़ख्मी बच्चा, मियाँ बीवी रोड पे पड़े हों, तो शायद इस डर से कि गाड़ी ख़राब हो जाएगी या पुलिस तंग करेगी, तो हम लोगों की मदद नहीं करते। हम लोगों को ज़मीन पे ज़ख्मी हालत में पड़ा छोड़कर आगे गुज़र जाते हैं। तो हमें अपने इस पत्थर दिलाना रवैये में भी चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे सुना करते थे कि पत्थर का ज़माना होता था, मुझे पत्थर के लोग नज़र आते हैं। हम इतने बेहिस हैं कि अगर हम पर मुश्किल आती है तो हम ये कहते हैं कि आजमाइश है, हमें अल्लाह आजमा रहा है और आखिरत में बहुत आला मकाम मिलेगा। लेकिन किसी पड़ोसी और रिश्तेदार पर अगर मुश्किल आती है तो बरमला कहते हैं कि देखो इस पे अल्लाह का अजाब आया हुआ है। तो हमें अपने रवैयों में चेंज लाना है। हम बचपन से अपने बच्चों की तरबियत किस तरह की करते हैं? घरों में आपने देखा होगा माएँ ज़्यादातर ये कहती नज़र आती हैं कि बेटा आपसे खाला ज़्यादा प्यार करती है, फुप्पी नहीं करती। तो ये जो फुप्पी और खाला के बीच का फ़र्क है, ये आप सबने ख़त्म करना है। बच्चों की तरबियत में एक पॉजिटिव बर्ताव लाना है, ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें ये फील ना हो कि बचपन से उन्हें एक नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाया गया है और फिर वो माशरे में आके उन्हीं बचपन की तरबियत से ख़राबी की तरफ जाते हैं। तो अगर हम सब मिलके चाहेंगे, गो कि हम बड़े मामलात में कंजूसी भी करते हैं, तालियां बजाने में भी बहुत कंजूसी करते हैं कि क्यों बजाएं, क्या जाता है, नहीं बजाते हैं। तो कंजूसियां ख़त्म हो, ज़रा दिल बड़ा होना चाहिए। मतलब किसी को दाद देने में तो दिल बड़ा करें, क्या ख्याल है, होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब मिलकर ठीक कर सकते हैं। और ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है। तो आखिरी शेर कि चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए, चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए कि हमारा नाम रह जाए बस वतन के लिए। तो वतन के काम करते रहेंगे। मैंने तो अज़्म किया है कि मैं तमाम ही ऐसे काम जो कभी नहीं हुए, बहसियत गवर्नर सिंध, मेरे दोस्त जाम कायम साहब बैठे हैं, फजल दादा भाई यहाँ बैठे हैं और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, पहले दिन से ये कोशिश की है कि ऐसा काम हो जिससे मैं आप सबके दिलों में उतरूँ, और ऐसा कोई काम ना करूं कि आप सबके दिल से ही उतर जाऊं। तो गवर्नर हाउस के दरवाज़े आप सबके लिए खुले हैं। ऐसे काम जो कभी नहीं हुए, जिसे करते हुए हम डरते हैं,
जिन माफिया से उलझते हुए हम डरते हैं, हमें अल्लाह से तो कम खौफ आता है, लोगों से बड़ा डर लगता है। तो कम से कम, क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो 12 रबीउल वाले दिन हुआ है, तो मैंने तो ये अज़्म किया है कि मैं उलझूंगा भी, लड़ूंगा भी उन माफिया से जो इस शहर की तरक्की नहीं चाहते, जो इस शहर में तालीम का निज़ाम अच्छा नहीं करना चाहते, जो इस शहर में लोगों को बिजली और पानी से महरूम रखना चाहते हैं। जुल्म की बात है कि इस शहर में समंदर भी है और पीने का पानी भी नहीं है, तो उलझना पड़ेगा हम सबको। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सब ये ठान लें, क्योंकि आप सब आजकल टीवी पे देखते होंगे कि पाकिस्तान 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है, लेकिन हम बड़े बेहिस हैं, हम अपने मुल्क को बदनाम होता देख रहे हैं, उसके हाथ से मईशत निकलती चली जा रही है, डॉलर कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, महंगाई का तूफ़ान है, लेकिन हमारी खामोशी जो है वो भी बड़ी मानी खेज है, और इसका भी हिसाब होगा। जिसको मनसब देता है अल्लाह उसका भी हिसाब करता है, लेकिन उन लोगों का भी हिसाब होता है जो खामोश रहते हैं। तो खामोशी तोड़नी पड़ेगी, हमें सबको मिलजुल कर इन माफिया से उलझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इसके लिए बस एक आखिरी शेर कह के इजाज़त चाहता हूँ कि जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती है, जो गरीबों का दिया फूंक के थम